हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 की सबसे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। तो अभी आने वाला जो अपकमिंग एग्जाम है, जिसके लिए आप लोगों को 2-4 महीना एक्स्ट्रा टाइम अभी मिल गया है, तो उस एक्स्ट्रा टाइम को आप लोग बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज करें और अपना प्रिपरेशन ज्यादा से ज्यादा अच्छे लेवल पर कैसे ले पाए, उसके लिए ये वीडियो है। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका मॉक टेस्ट में नंबर अटक गया और ऊपर इंक्रीज नहीं कर रहा, उनको इससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और दूसरे लोग भी जिनका थोड़ा बहुत बेसिक प्रिपरेशन हो चुका है, वो लोग भी इसको देख करके अपना फायदा ले सकते हैं। तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 की ये सबसे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी रहने वाली है। देखिए, थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम ऋषिकेश कुमार है, मैंने ये सारे एग्जाम्स को क्लियर किया है, वो भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक टेस्ट सीरीज रहना चाहिए। यह बहुत ही जरूरी है। टेस्ट सीरीज आपका ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। मतलब अगर आप पीडीएफ वगैरह को फॉलो करते हैं, अगर आपके पास कोई बुक है, या फिर अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स के भी कलेक्शन है, यानी कहने का मतलब है कि 200 क्वेश्चंस के जो पूरा सेट होता है, वो सेट है आपके पास, कहीं से भी आपने जुगाड़ किया है, 10-20 आपके पास है। ठीक है, अगर ऑनलाइन मोड में है और टेस्ट सीरीज के मोड में है, तो काफ़ी आपका काम आसान हो जाएगा, थोड़ा मेहनत आपकी कम लगेगी। लेकिन अगर नहीं भी, अगर आपके पास पेपर वगैरह है, ऑफलाइन मोड में है, कैसे भी है, आपके पास 10-20 सेट हैं बस, तो इतना आपका काम हो जाएगा, उसको आप फॉलो कर सकते हो। जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी देखें, ऑफलाइन वाले वो भी देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर वाले सब देख सकते, सबके लिए मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट है आपको कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए लगभग सारे पार्ट्स के, इंग्लिश और रीजनिंग में, यानी इंग्लिश और रीजनिंग के लगभग सभी चैप्टर्स में एटलीस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये चैप्टर किस बारे में है। ठीक है, अगर बात होती है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट यहां पर चीजें चल क्या रही है। क्वेश्चन आपसे सही बन रहे गलत बन रहे वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपके बेसिक्स एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए इन दोनों सब्जेक्ट्स के लगभग सारे चैप्टर्स के अंदर। कुछ चैप्टर्स के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम है, 2-4 चैप्टर में दिक्कत है, नहीं किया है, कुछ भी एकदम नहीं पढ़ा, वो अलग बात है, लेकिन लगभग मोर और लेस लगभग आपका सारे चीज में आपका बेसिक्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि हाँ ये इसका बेसिक्स क्या होता है। रीजनिंग में आपको पता होना चाहिए कि सीरीज के अंदर ये कैसे फंडा क्या लग रहा है, इंक्रीजिंग वाली सीरीज है, डिक्रीजिंग वाली सीरीज है, ये सब बेसिक बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, तब आप इस स्ट्रैटेजी को ज्यादा अच्छे से लगा पाओगे। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास पेशेंस, पेशेंस और पेशेंस, बहुत सारा पेशेंस रिक्वायर्ड है। देखिए, इस स्ट्रैटेजी के अंदर है कि आपको तुरंत रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, 10 दिन के अंदर ये रिजल्ट नहीं दिखेंगे, कुछ लोग के दिख भी सकते हैं पर कुछ लोग के नहीं भी दिखेंगे, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ पेशेंटली इस पूरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, तो आप यकीन मानो आपको बहुत ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है और आपका स्कोर 160 के काफ़ी ऊपर भी जा सकता है। अगर आप पेशेंटली एक एक दिन इस चीज़ को फॉलो करते हो, तो आप आकर के थैंक्स बोलोगे एग्जाम के बाद, जब आपके नंबर आएंगे तो यहाँ पर आपके कमेंट करोगे कि हाँ मैंने फॉलो किया था और मुझे बेनिफिट मिला है। तो इसलिए आप इस पे भरोसा रख करके पेशेंस के साथ फॉलो करो एक एक दिन अपना दो इसके ऊपर, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट इसका जरूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो का मेन पार्ट अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए मेन पार्ट पे अब आ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है मैंने टेस्ट सीरीज का अपना जो सॉल्यूशन वाला पार्ट होता है, यानी कि जहाँ पर आपको एनालिसिस दिया जाता है, वो मैंने खोल लिया है। देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। वैसे लोग जो लोग ऑफलाइन यूज करते हैं या पीडीएफ वगैरह से यूज करते हैं, उनके लिए भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले उन लोग के लिए बता देता हूँ जिनके पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, किसी भी कंपनी का टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर मैं ग्रेडअप का एग्जाम्पल के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप ग्रेडअप का भी एग्जाम्पल में देख सकते हो, बाकी मैं किसी का भी आप यूज कर रहे हो तो उसके साथ काम हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो भी आपका टेस्ट सीरीज है, वहाँ पे आपको एनालिसिस में चला जाना है, कोई भी आपको एक टेस्ट लगाना है। ठीक है, अभी आप क्या करोगे कि एक टेस्ट लोगे पूरा 200 क्वेश्चन वाला टेस्ट। ठीक है, टाइम के साथ उसको बनाओगे, फिर उसका जो आपका रिजल्ट आएगा, यहाँ पर देखिए मैंने एक टेस्ट सीरीज लेकर के अपने दोस्त को दिया है और उसका यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए इस्तेमाल करूँ। तो देखिए, उसका जो मार्क्स आया, रैंक आया, उतना ये मैटर नहीं करता। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको वहाँ पर स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस मिलेगा, आप जो भी टेस्ट सीरीज फॉलो करते हो उसके अंदर। तो देखिए, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ कि यहाँ पर जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर वीकनेसेस देखिए, यहाँ पर वीकनेसेस में वो पहले ही आपको लेकर के दिखा दे रहा है कि हिस्ट्री में इसकी वीकनेस है, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में वीकनेस है, और ज्योग्राफी में वीकनेस है। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि हर सब्जेक्ट के अंदर से आपको दो चैप्टर्स उठाने हैं, जिसके दो चैप्टर्स या फिर दो सब्जेक्ट्स आपको उठाने हैं जिसके अंदर से आपको काम करना है। तो देखिए, यहाँ पर जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में क्या है कि आपके हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों चैप्टर्स आपका वीक बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर एनालिसिस में ही आपको पता चल जा रहा है, तो वो वीक चैप्टर्स आपको दो यहाँ पे उठा लेने हैं, यानी कि जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के हमारे दो कौन से वीकनेस उठे, तो पहला हमारा हिस्ट्री हो गया, दूसरा इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, तो इन दोनों के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो ये हमारे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का उठा लिया गया। अब मैं उन लोगों के लिए बात करता हूँ जिनके पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं है, जो लोग पीडीएफ से बनाते हैं या कैसे भी करके सॉल्व करते हैं, जिनके पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है, जिनके पास ये सुविधा नहीं है कि वीकनेस उनको पहले से बने बनाए दिख जाए, तो वो लोग क्या करेंगे कि अपना सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशंस में यहाँ पर चले जाएंगे, तो आपको अपने सॉल्यूशंस देख लेने हैं। जब आप पीडीएफ से सॉल्व कर रहे हो या फिर अगर बुक वगैरह से सॉल्व कर रहे हो, कोई भी अगर कलेक्शन है, तो उसमें भी एटलीस्ट आपको सॉल्यूशन तो मिलता ही होगा कि सही गलत आपने कहाँ कहाँ पे किया। तो देखिए, यहाँ पे जो है इसकी गलती है क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर, मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, तो रीजनिंग में 24 के अंदर गए, तो ये जो सवाल है, ये सवाल है वेन डायग्राम वाला। तो उसके बाद जब आपको दिखा कि ये इसमें मैंने गलती की है, तो आप अपने आप से सवाल करोगे, पहला सवाल आपसे ये होगा कि क्या मैंने इसमें जो गलती की है, ये मैंने गलती इसलिए की है कि मेरे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम थी। अगर उसका सवाल का जवाब हाँ आ जाता है, तो ये आपको पिक कर लेना है कि इसमें मैं काम करूंगा। अगर उसका जवाब आता है कि नहीं, यहाँ पर जो है मैंने, अगर आपने पूछना है कि
नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछना है कि क्या मैंने यहाँ पर टाइम की गलती की थी या फिर सिली मिस्टेक वगैरह हुआ था। अगर आपने सिली मिस्टेक वगैरह किया है तब फिर उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है, तो मेरा ये दोस्त इससे मैंने बात की थी तो उसने बोला कि वेन डायग्राम के अंदर उसको प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो ये आपको खुद से सवाल करना पड़ेगा। अगर आपका टेस्ट सीरीज आपको नहीं बता पा रहा है तो फिर आपको खुद से सवाल करके इसका जवाब जानना पड़ेगा। तो उसने बोला कि हाँ वेन डायग्राम के अंदर मेरे सही में प्रॉब्लम है, तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से पहला आपका पकड़ में आ गया वेन डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जाते हैं। नेक्स्ट इसमें जो गलती की है वो इसने की है लेटर क्लस्टर्स ऑड वन आउट वाले सवाल में। तो ऑड वन आउट वाले सवाल यानी कि ये क्लासिफिकेशन का सवाल है, क्लासिफिकेशन वाले वर्बल रीजनिंग के अंदर क्लासिफिकेशन वाले में इसको प्रॉब्लम है। तो मैंने पूछा कि आपको क्या इसमें जेन्युइनली प्रॉब्लम होती है, तो उसका जवाब आया कि हाँ मुझे जेन्युइनली इसके अंदर प्रॉब्लम होती है। तो कोई भी दो चैप्टर्स आपको यहाँ से पिक करने। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो एक और गलती हुई पड़ी है, या मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जिसकी कोई गलती नहीं हुई बस उसने सारे सवाल छोड़ रखे हैं, तो फिर छोड़ रखे हुए सवाल में से भी आपने कोई भी जो भी आपका पहला सवाल है वो चुनना है और उसके अंदर आपने अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या मेरी जो गलती है वो गलती इसलिए है क्योंकि मैं इसमें वीक हूँ, कि मेरा इसमें कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हुआ या फिर सवाल मैंने अच्छे नहीं किए इसलिए। तो देखिए यहाँ पर जो है वेन डायग्राम वाला सवाल, उसने बोला कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है वेन डायग्राम समझने में ही, क्वेश्चन में समझने में दिक्कत आती है। और दूसरा उसने बोला कि ये जो क्लासिफिकेशन वाला सवाल है, उसने बोला कि मैंने प्रैक्टिस कम की हुई है इसलिए मैं पैटर्न को ढंग से पकड़ नहीं पाता। तो यहाँ पर दो आपके पकड़ में आ गए रीजनिंग के अंदर। ठीक है, पहला था आपका वेन डायग्राम और दूसरा था आपका क्लासिफिकेशन का कुछ इंग्लिश के अंदर। और इंग्लिश में सबसे पहला आपको सवाल चला जाना है जो कि गलत हुआ है, तो उसके अंदर देखेंगे तो पहला सवाल है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो उसने बोला कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मुझे कोई खास दिक्कत नहीं है तो मैं इसको इग्नोर कर ले रहा हूँ। ठीक है, आपको भी खुद से पूछना है कि क्या आपका सही में इसमें कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम था या फिर कुछ और दिक्कत हुई। तो उसने बोला कि कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पर थोड़ा सा बस हल्का सा कन्फ्यूजिंग था इसीलिए मैं प्रॉब्लम में फंसा, वरना मेरी अच्छी तैयारी है, तो उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। फिर आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पर सिनोनिम का क्वेश्चन है। तो उसने बोला कि सिनोनिम और एंटोनिम के भी मेरे अच्छी तैयारी है, मैंने काफ़ी सारे वर्ड्स को समझा हुआ है, मुझे मोटल का मतलब मालूम था लेकिन थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हुआ तो मैं इसको भी इग्नोर कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें क्या है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या है। तो उसने बोला कि हाँ इडियम फ्रेजेस के अंदर मुझे प्रॉब्लम है, मैंने इडियम्स फ्रेजेस अच्छे से याद नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो इडियम और फ्रेजेस हमारा पहला जो है टॉपिक यहाँ पर नोट डाउन हो जाएगा कि इडियम फ्रेजेस उसकी पहली गलती है, याद रखिएगा हमें सिर्फ दो उठाने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अगला जो गलती किया है, तो यहाँ पर ग्रामर का बात है। तो यहाँ पर भी उसने बोला कि यहाँ पर थोड़ा सा सिली मिस्टेक उसने किया है, यहाँ पर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, बस उसमें क्या है कि ऑप्शन को देखने में थोड़ी सी गलती की थी, हड़बड़ी में उसने गलती किया, तो ये एक सिली मिस्टेक में आएगा। देखिए ये सवाल आपको खुद से ऑनेस्ट रह के पूछना है कि गलती क्या हुई थी, या क्या तो वो सिली मिस्टेक था या कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम था। नेक्स्ट आ जाते, देखिए ये पैसेज के उसने सवाल में गलती तो पैसेज का है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि आर्टिकल वाली प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, फर्स्ट वाली ब्लैंक में उसने ए एन द वाली गलती की है, तो आर्टिकल वाला दिक्कत है। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग ये नहीं देखेंगे कि हमारे पैसेज में गलती हुई, हम लोग ये लिखेंगे कि पैसेज के अंदर स्पेसिफिकली जितना अंदर आप घुस सकते हो, जितना डाइसेक्ट कर सकते हो उतना डाइसेक्ट करके जाना है। तो यहाँ पर गलती क्या निकली, यहाँ पर गलती निकली आर्टिकल वाली। आर्टिकल मैंने उससे पूछा कि आर्टिकल की आपकी तैयारी कैसी है, तो उसने बोला कि आर्टिकल की उतनी अच्छी प्रिपरेशन मेरी नहीं है। ठीक है, तो सेकंड हमारा चुना के आ जाएगा आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल ये ग्रामर वाला पार्ट हमारा चुन करके आ गया। तो इंग्लिश में हमारे दो पार्ट चुनाए, पहले था इडियम्स एंड फ्रेजेस का, दूसरा आया आर्टिकल का। अच्छा, तो इतना सब देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर से दो दो चैप्टर्स को उठाना है। अब देखिए आपको खुद देख करके रियलाइज हो गया होगा कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसके पास होती है उसको थोड़ा सा टाइम उसका सेव होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत है, अभी तक आपने नहीं लिया, तो आप ग्रेड अप का टेस्ट सीरीज ले सकते हो, उसे ग्रीन कार्ड कहते हैं। अगर वहां पर आप क्लस्टर 40 का कूपन कोड लगाओगे तो आपको ये 135 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। तो देखिए ये कितना कम प्राइस है। यहाँ पर हमारे एक यूजर ने स्क्रीनशॉट भेजा है, यहाँ पर जब आपने क्लस्टर 40 कूपन कोड उसने लगाया तो ये एज लो एज 135 तक जा सकता है। यहाँ पर कुछ डिस्काउंट जो है वो वेरिएबल है, कॉइन्स वगैरह भी वेरिएबल है, तो उसके वजह से हो सकता है प्राइस थोड़ा सा फ्लक्चुएट करे, लेकिन मिनिमम इसका प्राइस 135 है, वो भी दो साल के लिए, सारे एसएससी के एग्जाम्स और मेजर रेलवे एग्जाम्स इसके अंदर कवर्ड हो जाते हैं। तो देखिए इसमें डिस्काउंट लेने का एक तरीका और भी है कि इसमें जो आपको यहाँ पर कॉइन्स बैलेंस का ये इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, कॉइन्स बैलेंस का इस्तेमाल होकर 32 रुपीज का इसको ऑफ मिल रहा है। तो कॉइन्स आप बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो कि बहुत सारे फ्री के टेस्ट सीरीज फ्री के टेस्ट होंगे आपके ग्रेड अप के अंदर। ठीक है, मेगा टेस्ट, मेगा मॉक, बहुत सारी चीजें वहाँ पे होती है, बहुत सारे फ्री में आपको मिलता है। तो वहाँ पर आपको रजिस्टर करके आप क्या करो कि वो फ्री मॉक फ्री टेस्ट वगैरह दे करके आप कॉइन्स का बैलेंस बढ़ा सकते हो और कॉइन्स से आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। तो इसीलिए क्या करो कि अगर ग्रेड अप आप खरीदना नहीं भी चाहते हो तो बहुत सारे उसके फ्री के जो टेस्ट होते हैं वहाँ पे फ्री के मॉक होते हैं उसको यूज कर सकते हो और उससे अपना कॉइन बैलेंस बढ़ा करके फाइनली आप ले सकते हो। क्लस्टर 40 का कोड लगाओगे तो काफी फायदे में रहोगे। तो चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि वो दो दो चैप्टर्स जो हमने उठाए थे, जैसे रीजनिंग के अंदर वेन डायग्राम और क्लासिफिकेशन का उठाया गया था, अब उसके साथ करना क्या है। देखिए अगले 3 दिन तक, ठीक है, 3 डेज के लिए आपको ये काम करने हैं। ठीक है, 3 दिन तक आप कोई भी मॉक या फिर प्रीवियस ईयर या फिर कुछ नहीं लगाएंगे, 3 दिन तक बस आपको ये चीज़ें करनी है। देखिए ये एक टास्क का लिस्ट है, अगर आप चाहो तो अभी इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, वरना हम लोग टेलीग्राम के अंदर भी इसको डलवा देंगे। इस लिस्ट से देख करके आपको ये काम करने हैं 3 दिन तक। ठीक है, तो 3 दिन में आपको क्या करने हैं, 35 सवाल आप बनाएंगे या फिर
पहले आप कॉन्सेप्ट समझेंगे अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट की दिक्कत है, ठीक है। तो 35 सवाल, यानी अगर मान लीजिए दो चैप्टर आपने किए हैं, दोनों से आपको दिक्कत है, सिर्फ प्रैक्टिस के प्रॉब्लम है, तो दोनों से 35 क्वेश्चन, 3 दिन का आपको टाइम मिल रहा है इस काम को करने के लिए, यानी 70 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 3 दिन का टाइम मिल रहा है, तो काफी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। यानी मैंने बोला था ना प्रैक्टिकल बातें होंगी, कुछ भी हवा में बातें नहीं होंगी। तो देखिए पहला बात है वेन डायग्राम का, तो वेन डायग्राम का उसने बोला कि मुझे कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले वो बच्चा क्या करेगा कि वेन डायग्राम पर यूट्यूब पर जाकर के अपना वीडियो देखेगा, कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझेगा कि वेन डायग्राम को क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है, क्या उसमें कॉन्सेप्ट होता है क्या नहीं होता, और उसके बाद वो जंप करेगा और अपने 35 क्वेश्चंस को वो सॉल्व करेगा। लेकिन क्लासिफिकेशन के अंदर उसको प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट की नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम थी कि उसने क्वेश्चंस ज्यादा नहीं लगा रखे थे। तो वो सीधा जाकर के क्या करेगा कि क्लासिफिकेशन के 35 क्वेश्चंस को करेगा, 3 दिन का उसके पास टाइम है। इस 3 दिन में ऐसे नहीं कि हर दिन 35 करना है, 3 दिन में आपके पास टाइम है कि 35 क्वेश्चन बस आप कर लो क्लासिफिकेशन के, अच्छे से समझ समझ के करो, कॉन्सेप्ट को देख देख करके करो, ठीक है। तो ये है आपका रीजनिंग का टास्क लिस्ट, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, या फिर अभी स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या करना है। तो देखिए इसके अंदर आपके दो सब्जेक्ट्स फाइनलाइज हुए थे यहाँ पर, एक पॉलिटी और हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री। तो देखिए उसमें सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, या तो आप रीड करो या रिवाइज करो सुपर शॉर्ट नोट्स पीडीएफ को। देखिए आपको पता होगा हमारे सुपर शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ आते हैं, पॉलिटी का अभी हम लोगों ने बनाया हुआ, हिस्ट्री का काम चल रहा है, तो वहां से अगर आपके पास वो है तो आप उसको रीड या रिवाइज कर सकते हो अगर आपने वो लिया हुआ है। अगर आपने नहीं लिया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास लूसेंट की बुक या फिर जो भी आप बुक फॉलो करते हो, मनोहर पांडे जो भी फॉलो करते हो, उसमें से क्या करो कि उस पर्टिकुलर चैप्टर के 10 से 15 पेज उठाओ, ठीक है। मैंने 10 लिखा है, आप 15 तक भी जा सकते हो, तो 10 से 15 पेज आप या तो रीड करो या तो रिवाइज करो। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, अंडरलाइन वगैरह कर रखा है, तो उसको बस 15 पेज को आपको रिवाइज कर लेना है। इसमें भी दोनों का मिलाकर, मतलब सारे सब्जेक्ट्स का मिलाकर के आपके पास 3 दिन का समय है, तो 3 दिन के अंदर आपको 10 से 15 पेज पढ़ने हैं लूसेंट के, या फिर रिविजन करना है अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो। दोनों के करना है, यानी कि पॉलिटी के भी करना है और हिस्ट्री के भी करना है, दोनों का आपको करना है। या फिर अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो, आपने पहले से नोट्स वगैरह बना करके रखे हैं, किसी भी तरह का आपके पास अगर नोट्स है, तो आप उस पूरे के पूरे चैप्टर का नोट्स रिवाइज कर जाओ इन 3 दिनों के अंदर, ठीक है। उनका प्रॉपर रिवीजन करो, ऊपर देख देख करके, समझ समझ करके रिवीजन करो, पॉलिटी और हिस्ट्री ये दोनों चीज़ का रिवीजन होगा। तो तीनों में से कोई एक काम आपको करना है जो भी आपके लिए पॉसिबल हो, तीनों में से कोई ना कोई एक काम तो आप कर ही सकते हो। इस 10 को आप चाहो तो 15 भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर स्टैमिना, आपका क्या स्टैमिना है, करने वाले 20 भी कर लेंगे, लेकिन देखिए जोश में नहीं होश में काम लेना है, हमें लंबी लड़ाई लड़नी है, ठीक है। और करंट अफेयर्स में अगर आपकी दिक्कत आती है, देखिए ये तो स्टैटिक पार्ट में लेकिन प्रॉब्लम आया, लेकिन अगर करंट अफेयर्स में दिक्कत आती है तो कुछ नहीं करो, 3 दिन के अंदर आप क्या करो कि 1 मंथ का करंट अफेयर्स रिवाइज कर जाओ। 1 मंथ में हार्डली आपके 80 से 100 सवाल के करंट अफेयर्स होते हैं, मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो आता है, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको चैनल मिल जाएंगे, जिस चैनल को भी आप चाहो फॉलो कर सकते हो, उसका 1 मंथ का आप करंट अफेयर्स उठाओ, उसको अगर आपने पढ़ा नहीं है तो उसको 3 दिन में पहले पढ़ लो, और उसके धीरे धीरे करके अपना नोट्स बना करके इसको साइडलाइन कर लो और इसको रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। इस 3 दिन के अंदर आपको रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इंग्लिश के ऊपर। तो इंग्लिश में हमारे 2 चीज़ फाइनलाइज हुआ था, एक इडियम्स और एक आर्टिकल्स। तो देखिए आर्टिकल जो है ये हमारा ग्रामर के अंदर आता है, ठीक है। तो ग्रामर में आप क्या करो कि पहले तो इसका या तो रीड करो या रिवाइज करो अपने कॉन्सेप्ट को, यानी अगर आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में, एकदम नील है सारी जानकारी, तो पहले तो आप रीड करो इसके कॉन्सेप्ट को, जिस भी बुक को आप फॉलो करते हो वहां से, या फिर अगर आप YouTube वगैरह से करना चाहते हो वहाँ से भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, कम्प्लीटली आपके ऊपर है। कोर्स वगैरह लेते हो तो वहाँ से भी आप रीड करो। अगर आपने रीड किया हुआ, आपको कॉन्सेप्ट्स पता था लेकिन फिर भी आपको लगता है कि थोड़ी ब्रशअप करने की जरूरत है, तो उसका रिवीजन करो, ठीक है। आर्टिकल्स का रिवीजन करो, जिस भी बुक से आप, मैं बस आर्टिकल एज एन एग्जांपल ले रहा हूं, आपको अंदर जाना है, आप मेरी बात समझ रहे हो कि एडजेक्टिव से प्रॉब्लम है, एडजेक्टिव से करो, वर्ब से प्रॉब्लम, वर्ब से करो, उसको एक किसी चीज़ को उठाओ और उसको 3 दिन के अंदर अपना प्रिपेयर करो, उसको रीड करो, रिवाइज करो, और उससे 30 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो। 30 क्वेश्चंस सॉल्व करना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपके एग्जाम में मैथ्स नहीं होता तो आपको इंग्लिश को अपने मैथ्स के जैसा ट्रीट करो, जैसे कि मैथ्स में वो लोग बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करते हैं, आप इंग्लिश को प्रैक्टिस करो तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव करेगी, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ये जरूर काम करना चाहिए। और नेक्स्ट है अगर आपके पास कंप्रीहेंशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, यानी कि रीडिंग वगैरह में दिक्कत आ रही है, रीड करके समझ नहीं पा रहे हो, तो क्या करो, या तो 10 पैसेज या 10 क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जिस भी बुक को आप फॉलो करते हो वहां से। 10 पैसेज कहने का मतलब है कि एक पैसेज के अंदर अगर 10 सवाल हैं तो ऐसा नहीं कि 10 सवाल कर लेना है, उस तरह के आपको 10 पैसेज बनाने, यानी 10 × 10 पूरे 100 सवाल हो जाएंगे आपके कंप्रीहेंशन के। या फिर आप क्या कर सकते हो कि 15 आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। अब ये 15 आर्टिकल्स का क्या मतलब है, आर्टिकल पढ़ना है आपको, द इंडियन एक्सप्रेस नाम करके एक न्यूज़पेपर है, उसका आपको जाना है, वेबसाइट में आपको फ्री में मिल जाएगा, उसका वेबसाइट है, मोबाइल ऐप सब कुछ आता है, वहाँ पर जाना है। देखिए इंडियन एक्सप्रेस ने कोई पैसा नहीं दिया, मैं बस बोल रहा हूँ, पहले मैं हिंदू का नाम लेता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो लोग अपना पेड करते जा रहे हैं, इसलिए
इंडियन एक्सप्रेस का नाम ले रहा हूँ, तो वहाँ पर जा सकते हो और उनके एडिटोरियल सेक्शन होता है, ठीक है, एडिटोरियल या फिर हो सकता है वो लोग इसको कुछ और नाम से भी बोलते होंगे, तो वहाँ पर जाना है। वहाँ पर क्या है कि ऑथर्स अपने व्यूज़ लिखते हैं, व्यूज़ और ओपिनियंस लिखते हैं, तो वो आपको पढ़ना है। उससे क्या होगा कि आपको पढ़ने की हैबिट लगेगी, जल्दी जल्दी आप पढ़ पाओगे, तो कॉम्प्रिहेंशन में उसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, कि आप जल्दी जल्दी और अच्छे से पढ़ करके समझ पाते हो कि नहीं। तो 3 दिन के अंदर आपको 15 आर्टिकल्स ऐसे रीड करने हैं, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस से, तो ये काम करना है। और अगर आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर एक्टिव पैसिव के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट या रूल्स को रिवाइज करोगे, ठीक है, जो भी आपका रूल है एक्टिव पैसिव का या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो रूल्स है उसको रिवाइज करोगे, और फिर उससे 30 सवाल को भी सॉल्व करोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, जिसमें या एक्टिव पैसिव जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आई है। इस बंदे की प्रॉब्लम थी इडियम्स एंड फ्रेजेस में, यानी कि वो वोकैब के अंदर मोटा मोटी फॉल करता है, तो इसको क्या करना चाहिए कि 40 इडियम्स और फ्रेजेस इसको लर्न करने चाहिए, ठीक है, 40 idioms और phrases इसको याद करने चाहिए। इसके लिए भी इसको 3 दिन का टाइम मिल रहा है। तो इन टोटल, ठीक है, यहाँ पर फाइनली हम टोटलिंग कर लेते हैं कि इस इंसान को क्या क्या करने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये 40 idioms और phrases को याद करेगा, ठीक है, उसके बाद अपने आर्टिकल्स के अंदर ये 30 सवाल को सॉल्व करेगा, आर्टिकल्स के अंदर 30 क्वेश्चन सॉल्व करेगा, साथ ही साथ आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेगा। उसके बाद पॉलिटी एंड हिस्ट्री इसको ये अपने लूसेंट या फिर कोई भी जो इसकी कोर बुक है उससे इसका रिवीजन करेगा, 15-15 पेज या 10-10 पेज जो भी इसकी श्रद्धा जैसी, ये इसको करना है। और साथ ही साथ फाइनली इसको रीजनिंग के अंदर क्या करना है, ठीक है, तो रीजनिंग के अंदर इसको वेन डायग्राम वाला पार्ट और क्लासिफिकेशन वाला पार्ट, तो क्लासिफिकेशन से ये आदमी 35 क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, ठीक है, और वेन डायग्राम का ये कॉन्सेप्ट समझेगा और उसके बाद 35 क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो ये था इसको टोटल, ये काम कितने दिन में करना है, 3 डेज के अंदर इसको ये काम करना है। अब 3 दिन तक जब ये काम करेगा उसके बाद इसको फ्रेश जाना है और मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है। इतना काम कर लेने के बाद इसको फिर से एक मॉक टेस्ट लगाना है या फिर प्रीवियस से पेपर बनाना है, जो भी इसके पास अवेलेबल हो वो इसको करना है, और फिर से सेम साइकिल रिपीट होता रहेगा, यानी कि 3 दिन की पढ़ाई, फिर 1 दिन आपका मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट का रिविजन, ठीक है, ये 1 दिन थोड़ा सा ब्रेक ले लेना, 2 घंटा का आप टेस्ट लगाओगे, फिर उसके बाद एनालिसिस करने में भी आपका लगभग 30 मिनट चला जाएगा, तो उसके बाद कोई भी लाइट रीडिंग करके इस दिन आप ब्रेक ले सकते हो, और फिर 3 दिन तक ये रिगुलस रूटीन आपको फॉलो करना है। तो ये 3-1-3 इस तरह से आपको फॉलो करना है और रिपीट करते जाना इस साइकिल को, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं आ जाता। एग्जाम के 10-15 दिन पहले फिर रिविजन का स्केल अलग होगा, लेकिन इस काम को करते रहना है और देखना है कि आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आप कॉन्स्टेंटली इसको फॉलो करते हो बिना बीच में कुछ भी मिस किए हुए, ज्यादा से ज्यादा टाइम तक अगर आप इसको फॉलो करते हो, तो आपका मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होगा और 160 के ऊपर का आप टारगेट लेकर के रखो कि ये आपका बिल्कुल आएगा, जरूर आएगा, ठीक है, बस आपको इंप्रूवमेंट करते रहना है। इंप्रूवमेंट मैटर करता है, आपके मार्क्स मैटर नहीं करते। आप हो सकता है कि शुरुआत आपका 105 से हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आप वहां तक पहुंच सकते हो, बस आपका इंप्रूवमेंट होते रहना चाहिए। तो बस ये वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो देख करके चीजें समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हो और आपके एग्जाम के लिए बहुत ऑल द बेस्ट, अच्छा करके आना और नंबर अच्छे लाना। इस बार आपके पास मौका है, मैथ्स नहीं है, तो एकदम अच्छे से इसको यूटिलाइज करना है। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।